अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम अम्मी जान। आज मैं आपको सुनाऊंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन को तौहीद की दावत। तो बच्चों, कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने वही नाजिल की और उनको दो ताकतें अता की ताकि वो फिरौन का मुकाबला कर सके और बनी इसराइल को उससे निजात दिला सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना के साथ वादी सीना से मिस्र की तरफ रवाना हो गए। मिस्र पहुंचकर हज़रत हारून ने आपका इस्तकबाल किया और आपको घर ले गए। 10 साल के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना से मिले थे। मिस्र पहुंचने के बाद अगले ही रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून के साथ फिरौन के दरबार में हाजिर हुए। आपने फिरौन बादशाह से कहा कि हमें अल्लाह ताला ने पैगंबर और रसूल बनाकर भेजा है। हम तुमसे दो बातों का मुतालबा करते हैं, एक ये कि तू खुदा पर ईमान ले आ और किसी को उसके कामों में शरीक ना ठहरा, दूसरा ये कि बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दे और उनको आज़ाद करके हमारे साथ जाने दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर फिरौन ने उनकी रिसालत का मजाक उड़ाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने एहसान जतलाए कि उसने उनकी परवरिश की है, मिस्री को कत्ल करने का ताना दिया और उनके पैगाम को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ऐ मूसा, क्या मेरे सिवा भी कोई और रब है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो आसमानों, ज़मीन और उसके दरमियान कायम मखलूकात को पैदा करने वाला है। तुझे और तेरे आबाओ अजदाद को भी उसने ही पैदा किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून नहायत नरमी से फिरौन को कायल करते रहे, लेकिन फिरौन अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पागल कहा और बोला, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ। फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तू सच्चा है तो अपनी नबुव्वत का कोई मौजज़ा दिखा। तो बच्चों, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने अपने उन मौजज़ात को दिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर पर अता किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंक दी, वो अस्तहा बन गई। इसके बाद आपने अपना हाथ कुर्ते की जेब में डाला और वो रोशन सितारे की तरह चमकने लगा। ये मौजज़ात देखकर दरबार में मौजूद लोगों ने फिरौन से कहा, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, इसका मुकाबला सल्तनत के बड़े जादूगरों से कराया जाए, फिर यकीनन इसको शिकस्त होगी। चुनाचा फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए बड़े जादूगरों को दरबार में बुला लिया और उनका मुकाबला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करवाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबार में मौजूद जादूगरों से कहा कि तुम पहल करो। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ ज़मीन पर फेंक दी तो वो सांप बन गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर रख दी, वो लाठी अस्तहा बनकर तमाम सांपों को खा गया। वो जादूगर ये मंज़र देखकर घबरा गए और अल्लाह पर ईमान ले आए। तो ये थी फिरौन की पहली शिकस्त। जादूगरों के ईमान लाने पर फिरौन गुस्से में धारा और बोला, तुम सब ने मूसा से मिलकर साजिश की है, तुम लोगों ने मेरी इजाज़त के बग़ैर मूसा के खुदा को तस्लीम कर लिया है, मैं तुम लोगों को इसकी सज़ा दूंगा। फिरौन ने इन जादूगरों के हाथ पांव कटवा कर फांसी की सज़ा दे दी। फिरौन की सरकशी और जुल्म पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसकी कौम पर 5 तरह के अजाब नाजिल किए। अल्लाह ने इन पर जुएं मुसल्लत कर दी, खाने पीने की चीज़ों में मक्खियाँ पैदा हो गईं, ज़मीन में जानवरों को हलाक करने वाले कीड़े पैदा हो गए, गल्ले और अनाज में घुन लग गए और पानी में मेंढक पैदा हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद फिरौन और उसकी कौम तकब्बुर और शिर्क में मुब्तला रही। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल के साथ हिजरत कर जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले। फिरौन ने एक बड़ी फ़ौज के साथ इनका ताकुब किया और बनी इसराइल तक पहुँच गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक बड़ा समुंदर बहरे कलज़म था और पीछे फिरौन का बड़ा लश्कर। वो अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन से कैसे बचा दे?
हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ए मूसा अपनी लाठी समुंदर पर मारो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए राह बना देगा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पानी पर अपनी लाठी मारी, पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपनी कौम के साथ बहरे कलज़म के किनारे पहुंच गए। फिरौन और उसका लश्कर भी पीछे पीछे इसी रास्ते पर चल पड़ा। जब समुंदर के बीच में पहुंचे तो समुंदर का पानी आपस में मिल गया। फिरौन और उसका लश्कर इस समुंदर में गर्क हो गया। जब फिरौन पानी में गिरने लगा तो वो चीखने लगा, मैं मूसा और उसके खुदा पर ईमान लाया, लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई और फिरौन को अपने किए की सज़ा मिल गई। और बच्चों आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को आइंदा नस्लों के लिए इबरत का निशाना बना दिया ताकि लोग देखें कि सरकशों और अल्लाह के मुनकरों का क्या हशर होता है। और बच्चों फिरौन की मम्मी आज भी मिस्र के अजायब खाने में मौजूद है।